राजा शेर ने एक नृत्य प्रतियोगिता रखी थी और सभी उसकी तैयारियों में लगे थे। खरगोश ने इस बार बहुत मेहनत की। वाले पक्षी मोर को इस साल हराना चाहता था। कैसे हो तुम मोर? मैं ठीक हूँ। तुम अभ्यास नहीं कर रहे? इस बार खरगोश भी प्रतियोगिता में भाग ले रहा है और वह दिन रात कड़ी मेहनत करता है और उसका इस बार एक ही लक्ष्य है, तुम्हें हराना। मुझे नन्हा खरगोश मुझे हराएगा? असंभव। सारी जिंदगी अभ्यास करे फिर भी मेरे जितना अच्छा नृत्य नहीं कर पाएगा। इस बार भी देख लेना, मैं ही जीतूंगा। खरगोश मेरे दोस्त, यह लो, मैं मंदिर से प्रसाद लाया हूँ, इसे खा लो। आज प्रतियोगिता तुम ही जीतोगे, मुझे तुम्हारी मेहनत पर बहुत भरोसा है दोस्त। चलो प्रतियोगिता जीतने चले। जैसे तुम्हें मुझ पर भरोसा है, वैसे ही मुझे तुम्हारे प्रसाद पर भरोसा है दोस्त। आज की प्रतियोगिता मैं ही जीतूंगा, मैंने कड़ी मेहनत की है और मैं दिखा देना चाहता हूँ कि कड़ी मेहनत करने से हर असंभव चीज संभव हो सकती है। हाँ दोस्त, इस मोर का घमंड हमें तोड़ना ही होगा। चलो चलते हैं। दोनों दोस्त प्रतियोगिता के मैदान पर पहुँचे। सभी जानवर बहुत उत्सुक थे। कोई मोर को प्रोत्साहित कर रहा था और उसी के लिए आवाजें लगा रहा था, तो कोई खरगोश के लिए ऐसा कर रहा था। सबसे पहले मोर को नाचने का मौका दिया गया। हमेशा की तरह मोर बहुत अच्छा नाचा। मोर के बाद अन्य प्रतियोगियों को एक एक करके मंच पर अपना नृत्य दिखाना था। सभी का नृत्य अच्छा था, मगर उन सब के मुकाबले मोर का नृत्य बहुत अच्छा था। सबसे अंत में खरगोश को मौका मिला। खरगोश ने जी तोड़ मेहनत की थी। उसने इतना सुंदर नृत्य किया कि राजा शेर उठकर खड़े हो गए और तालियां बजाने लगे। वाह 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 वाह, इतना सुंदर नृत्य तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। आज का विजेता और कोई नहीं, हमारा खरगोश है। और सभी लोग तालियां बजाने लगे। मोर चुपचाप शर्मिंदा होकर वहां से